हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अंकिता शर्मा और मैं आ गई हूँ एक और नई वीडियो के साथ। तो आज का हमारा टॉपिक है अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर, जिसके ऊपर रिसेंटली एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बहुत लंबा वीडियो नहीं बनाऊंगी, मेरा पॉइंट सिर्फ आपको ये बताना होगा कि जो नया ऑर्डर जो सुप्रीम कोर्ट ने पास किया है, जजमेंट जो पास करी है, वो क्या है और करंटली जो चल रहा था पहले वो क्या था। तो उसमें सिर्फ डिफरेंशिएट करके मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दूंगी और बस मुझे इतना बताना है आपको कि अब जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमिश्नर की जो अपॉइंटमेंट होगी वो कैसे की जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले 2015 में अनूप बरनवाल जी ने एक पीएल डाली थी, जिसके बेसिस पे उन्होंने ये कहा था कि जो करंट सिस्टम चल रहा है इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स, यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को और इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करने का, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और वो जो इसका 324 आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये उसको वॉयलेट्स करता है। क्योंकि इलेक्शन कमीशन जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और उसके स्टाफ मेंबर्स को, मतलब कि जो हेड्स हैं उसके, जो बेसिकली कंट्रोल करते हैं पूरे इलेक्शन एक्टिविटीज़ को, उनको पास पावर्स होती हैं पार्लियामेंट्री इलेक्शंस को रेगुलेट करने की, स्टेट लेजिस्लेशन के इलेक्शंस को रेगुलेट करने की, या फिर प्रेजिडेंट को अपॉइंट करने की, या जो भी इलेक्शंस होते हैं, वोटिंग सिस्टम होता है, सब कुछ जो है वो इलेक्शन कमीशन के पास है। और अगर उसी के हेड्स जो होते हैं वो अगर बायस्ड जो है वो उनको चुना जाए, बायस्ड अगर वो होंगे तो जो कंट्री का वोटिंग सिस्टम है वो भी एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल और एक डेमोक्रेसी के ऊपर क्वेश्चन था बहुत बड़ा। तो उनको लगता था, तो उनके हिसाब से ये था कि ये बहुत ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल है कि अगर आप ये पावर सिर्फ उस पार्टी को दे दी जाए जो ऑलरेडी पावर में है, अगर उस पार्टी को ये पावर दी जाए कि वो इलेक्शन, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है या इलेक्शन कमिश्नर है उसको अपॉइंट कर सकता है या एडवाइस भी दे सकता है प्रेजिडेंट को, तो ये एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम है जो अभी तक कंट्री में चल रहा है। तो हालांकि जो अदर पार्टी थी यूनियन ऑफ इंडिया, उन्होंने ये सारे रिकॉर्ड्स अपने जब आप खुद को डिफेंड किया है, अपने रिकॉर्ड्स लिखे हैं कि अभी तक ऐसी कोई भी अपॉइंटमेंट नहीं की गई है जिसकी वजह से एक बायसनेस या फिर ऐसा कुछ भी शो होता हो कि हाँ जो हमारा इलेक्शन कमिश्नर है या चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उसने किसी भी तरह से एक बायस्ड होकर कुछ काम किया हो अभी तक। लेकिन बात ये थी कि क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल है या अनकॉन्स्टिट्यूशनल है कि आप एक एग्जीक्यूटिव बॉडी, मतलब जो ऑलरेडी पावर में है पार्टी, उसको ये पावर दी जाए, मतलब बेशक उसका वो प्राइम मिनिस्टर है, उसको ये पावर दी जाए कि आप इलेक्शन कमिश्नर का नाम सजेस्ट कर सकते हो, आप इलेक्शन कमिश्नर कौन होगा या चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन होगा उसका नाम एडवाइस कर सकते हो प्रेसिडेंट का। तो ये एक बहुत बड़ा जो है वो क्वेश्चन था और इसी के लिए जो है वो पीएल जो है वो डाली गई थी अनूप बरनवाल के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में। तो ये 2015 में पीएल डली थी और अभी 2023 में जाके इसकी जजमेंट आती है, जो जिसमें ये बोला गया है कि जो इलेक्शन कमिश्नर है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, इनकी जो अपॉइंटमेंट होगी वो अब एक कमेटी के द्वारा होगी और उस कमेटी में 3 मेंबर्स होंगे जो कि एडवाइस करेंगे प्रेसिडेंट को कि हु विल बी द नेक्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर। तो ये कमेटी मेंबर्स कौन कौन होंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले हमारे प्राइम मिनिस्टर जो भी होंगे उस टाइम वो होंगे उस कमेटी के मेंबर। सेकेंडली लीडर ऑफ द लार्जेस्ट ऑपोजिट पार्टी की, जो पार्लियामेंट में जो भी ऑपोजिट पार्टी है उसका एक लीडर होगा जो उसको कमेटी का मेंबर होगा। और थर्डली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो लोग तीनों मिलके ये डिसाइड करेंगे कि हु विल बी द नेक्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर। मतलब ये पावर उनको दी गई है, उनकी एक कमेटी बैठेगी और एज पर देयर एडवाइस, मतलब वो तीनों जो भी डिसाइड करते हैं वो नाम देंगे प्रेसिडेंट को और प्रेसिडेंट, अल्टीमेटली प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करेगा, लेकिन जो नाम है वो ये तीनों मिलकर दे सकते हैं।
देंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने साथ में ये भी बोला कि जब तक पार्लियामेंट इस मैटर को लेके कोई एक फिक्स लॉ नहीं बनाती है तब तक जो है वो यही सिस्टम फॉलो किया जाएगा, क्योंकि ये पार्लियामेंट का काम था कि उसको ऑलरेडी पहले से ही इसके ऊपर लॉ बना देना चाहिए था, लेकिन जब अभी तक नहीं बना है तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट का ये डिसीजन है, उनका ये जजमेंट है कि तब तक यही रूल जो है वो फॉलो किया जाएगा। और जजमेंट बहुत ही अच्छी है, क्योंकि अगर इसमें ये तीनों लोग बैठते हैं तो उससे हमें यही पता चलता है कि जो बायस्डनेस है वो किसी भी वे में नहीं हो सकती, क्योंकि अल्टीमेटली जो है वो पार्टीज़ के मेंबर्स भी हैं, दोनों पार्टीज़ के मेंबर्स भी हैं, किस कोई भी एग्जीक्यूटिव पावर में जो बंदा बैठा है ये पूरी तरह से उसको पावर नहीं दी गई है कि वही नाम सजेस्ट करेगा। और तो इससे क्या होता है कि जो एक दूसरी पार्टीज़ को शंका रह जाती है कि शायद उन्होंने अपना ही बंदा इलेक्शन कमीशन में बिठा दिया होगा, तो वो घोटाला कर सकता है या फिर वो कुछ भी बायस्ड कर सकता है दूसरी पार्टियों के साथ, उससे ये चीज़ जो है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है। तो ये बहुत ही अच्छा डिसीज़न है मेरे हिसाब से। तो ये थी जजमेंट अनूप बरनवाल वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया जो कि रिसेंटली अभी आई थी। मुझे ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट लगा और मेरे हिसाब से ये हर किसी को पता होना चाहिए कि हमारा जो कंट्री है उसमें किस तरह से अपॉइंटमेंट्स होती हैं, ये जो हमारी बहुत ही कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा पावर्स दी होती हैं कंट्री को रेगुलेट करने की। तो इसलिए मुझे लगा कि आप लोगों से डिस्कस करती हूँ। जिनको पता है, जिन्होंने जजमेंट ऑलरेडी पढ़ी है तो उनको तो चलो पता है, जिनको नहीं पता है तो मैं उन तक ये चीज़ पहुँचाना चाहती थी। तो आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो थोड़ी सी यूज़फुल ज़रूर लगी होगी, और अगर लगी है तो प्लीज़ कॉमेंट करके बताना, और कॉमेंट करके मुझे ये ज़रूर बताना कि आप लोगों का क्या मानना है कि सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट आई है वो सही है या गलत है। तो ये भी प्लीज़ शेयर करना, और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए बाय बाय।